मेरे राम गुरु के हम मन दुख जावे सुही महला पहला संत साहिब गुरु नानक देव जी मेहरबान पांडा अच्छा सोए जुत दबावसी पांडा तुली मोत अच्छा न होई सी चलिया पद से जन सवार बाजा वैसी मानस क्या विचारा तेरो सुनाए सी के आपने हाल सब कुलतार सी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सपना अभी हम यहाँ निर्मल बाग गुरुद्वारा साहिब जी में हैं और बाबूजी श्री गोविंद सिंह जी के साथ हम आए हैं। आपको यहाँ के बारे में बताया जाएगा। ये निर्मल बाग जो है इसकी मेन गद्दी ऋषिकेश में है, निर्मलाश्रम ऋषिकेश, और उसके संस्थापक श्रीमान महंत बाबा बूटा सिंह जी महाराज जो सामने जिनका चित्र आप देख रहे हैं, इनको सत्स्वरूप माना जाता था और सखर सिंध में इनको बाबा नानक के अवतार की तरह से इनकी पूजा की जाती थी, इनको मानते थे लोग। और इनकी इन्होंने सिंध में बहुत सिक्खी का प्रचार किया और आज भी हजारों हजार सिख देश विदेश में जो बैठे उनके उस समय के बनाए हुए सिंधी सेवक वो आज भी इस स्थान के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ आकर नाम सिमरन परोपकार के लिए लंगर वगैरह हर तरह से यहाँ पे चिकित्साएँ की जो सुविधाएं चल रही हैं। आँखों का बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया है महाराज जी ने, जनरल हॉस्पिटल बनाया है, कई स्कूल हैं, एक गरीब बच्चों के लिए स्कूल है जिसके अंदर कोई चीज़ का पैसा नहीं लिया जाता, हर चीज़ टोटल फ्री है उसके अंदर, जैसे कि स्टेशनरी है, स्कूल बैग है, किताबें हैं, कापियां हैं, जो भी चीज़ टू एंड फ्रो ट्रांसपोर्ट है, डे मील्स है, यहाँ तक के दूध भी उनको दिया जाता है, फ्रूट्स दिए जाते हैं उन बच्चों को। और उन बच्चों को हम लाते कहाँ से हैं जो बनवासी क्षेत्र में रहते हैं, ऐसे लोग हैं जिनके आगे पीछे कोई है नहीं है, गरीब लोगों के बच्चे हैं, उनको पढ़ा के उनका जीवन सुधारा जा रहा है और बहुत शानदार वो स्कूल चल रहा है। तो वो सारी सब कुछ संगत के सहयोग से चल रहा है और 125 साल लगभग इस आश्रम की स्थापना को हो गए हैं। तो ये सारे संत महापुरुष वो महापुरुष हैं ऊपर जिन लोगों ने समय समय पर इस स्थान में रहकर सेवाएं की हैं जी, और भारत में और विदेशों में देश विदेश में जाके गुरु नानक के मिशन का प्रचार किया है। ये गुरु तेग बहादुर साहब का हिस्टोरिकल ट्रैवल रूट मैप है, जहाँ जहाँ गुरु तेग बहादुर साहब गए हैं जिन स्थानों पर, और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे मुरादाबाद में भी 1670 में साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब आए हैं और वहाँ पर रामगंगा के किनारे पर उनका स्थान सुशोभित है और वहाँ पर एक शब्द भी उच्चारण किया है। जब वहाँ के पंडितों ने उनसे पूछा था, ये वही वाला रूट मैप है कि भाई जीव का कल्याण कैसे हो, तो उन्होंने कहा था कि अहंकार का त्याग करो, साधो मन का मान त्यागो। क्या बात है। ये यहाँ निर्मल आश्रम आई इंस्टीट्यूट है, देहरादून की तरफ जाते हुए यहाँ रास्ता कटता है। ये निर्मल आश्रम आई इंस्टीट्यूट, वैसे तो इसका शुरुआत ऋषिकेश स्थित हमारा जो जनरल हॉस्पिटल है उसी में शुरुआत हो गई थी 2005 में, लेकिन 2007 में ये नई बिल्डिंग बन के और इसका इनॉग्रेशन हुआ था। और डॉक्टर बद्रीनाथ जो शंकरा नेत्रालय चेन्नई से यहाँ आए थे, उसके अलावा बहुत बड़े बड़े संत महापुरुष महंतों और
समाज सेवियों ने इसका शुभारंभ किया और आज यहाँ पर 1.5 लाख के लगभग कैटरेक्ट की सर्जरी कर चुके हैं, जो एक तरह से कीर्तिमान है। और यहाँ किसी के पास पैसे हैं तो उसका भी इलाज हो जाता है, जिसके पास पैसे नहीं है तो उसका विशेष तौर पे यहाँ इलाज किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ हम इधर आए थे और ये देखिए निर्मल आश्रम ज्ञानदान अकेडमी, और इसमें यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इधर हिंदी में भी लिखा हुआ है। इसमें ट्यूशन फीस नील है, टेक्स्ट एंड स्टेशनरी सब नील फ्री, स्कूल यूनिफॉर्म बैग्स फ्री, एवरीथिंग इज फ्री, स्कूल ट्रांसपोर्ट, मिड डे मील्स, हेल्थ केयर, सर्कुलर एक्टिविटीज, डिविनिटी क्लासेस, म्यूजिक एंड आर्ट क्लासेस, योगा एंड स्पोर्ट्स, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, एवरीथिंग इज फ्री। ऐसी सेवा भी होती है। तो ये अपना स्कूल हो गया, ये ग्राउंड बना हुआ है पूरा, इधर कुछ भी क्रिकेट वगैरह एंड ऑल के लिए हम ये ग्राउंड बनाया होगा। एंड ये सारा कंप्यूटर वाइज डिज़ाइन होके प्लेन हुआ है, ये पूरा पहाड़ी इलाका था। एंड स्कूल में इधर घंटा बज गया अभी। और ये देखिए आप, ये है ऑडिटोरियम, यहाँ का बहुत ही वेल डेकोरेट करा गया है इसे। ये देखिए आप, ये पूरा यहाँ का ऑडिटोरियम है। एंड वो रिक्रिएशन सेंटर, उधर सीनियर विंग है वो, और सामने हिल्स के नज़ारे। अभी धूप ज़्यादा है तो दिख नहीं रहा होगा जहाँ तक। पूरा इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है यहाँ का, और बहुत ही अच्छा सेवा करी जा रही है यहाँ पे। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने वाले हैं, ड्रेस, बैग, बुक्स, कॉपी, सब कुछ। हेलो, ये स्कूल की बस ऐसे देखिए, ऐसे स्कूल से टीचर्स वगैरह। निर्मल आश्रम ज्ञान दान अकेडमी, ये जूनियर विंग है एनजीए का। जी जी हाँ, और जूनियर विंग इधर और सीनियर विंग नीचे है। हाँ, ये बोर्ड लगा ऑडिटोरियम एंड सीनियर विंग। हाँ जी, ये बारे में देखो एक और बस आ रही है, वो सामने, वो सामने बोर्ड लगा हुआ है सीनियर विंग का, बहुत बड़ा सा। एंड इस तरफ ये पूरा इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे लोगों की आँखों का हर प्रकार से, हर तरीके से ख्याल रखा जाता है। ये देखिए आप, और बहुत ही नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है। चारों तरफ बढ़िया बढ़िया ट्रीज लगे हुए हैं, फ्लावर्स आपकी आँखों को बहुत सुकून देते हैं, अच्छे लगते हैं। यहाँ अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐसे ये भी रखे गए हैं। तो ये निर्मल आश्रम इंस्टीट्यूट है, ये देख रहे हैं आप बाबा जी, और ऐसे पूरे इंस्टीट्यूशन है एम्प्लॉयरी। देखिए बाबा जी की फोटो, ये पूरा आई हॉस्पिटल का है सब कुछ। और ये देखिए लोगों को लाने के लिए बस भी लगी हुई है इधर इंस्टीट्यूट की तरफ से। ये इधर निर्मल आश्रम आई इंस्टीट्यूट हो गया और उधर स्कूल हो गया। तो दोस्तों, अभी हम NDS आ गए हैं। जैसा हमने निर्मल आश्रम देखा, ऐसे ही यहाँ का ये स्कूल है निर्मल आश्रम दीनमाला पब्लिक स्कूल। और यहाँ से राइट साइड की तरफ प्रिंसिपल ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, बॉयज हॉस्टल, सीनियर विंग। देखिए कितना सब कुछ वेल मेंटेन हो रखा है। और ये देखिए ग्रास से कितना बढ़िया डिज़ाइन करा हुआ है।
स्कूल का नाम NDS पूरा एक ग्रास से डिज़ाइन करा हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है। NDS पब्लिक स्कूल इस क्षेत्र का एक माना हुआ स्कूल है और ये पूरे देहरादून क्षेत्र में हमेशा जो टॉप करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उसमें यहाँ का नाम ज़रूर होता है। पढ़ाई के साथ साथ और जो एक्टिविटीज़ हैं स्पोर्ट्स वगैरह में उसमें भी यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और यहाँ एजुकेशन के साथ साथ संस्कार भी बहुत अच्छे दिए जाते हैं जिससे जो भी स्टूडेंट यहाँ पढ़े वो एक अच्छा नागरिक बनकर देश की कौम की सेवा कर सके। ये एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, देखिए इतना शानदार तो कई बार यूनिवर्सिटी के ऑफिसर भी नहीं होते हैं। यहाँ पे विद्यालय का ऑफिस है। तो दोस्तों ये जो आप फूल देख रहे हो इनको डिज़ाइनिंग और बढ़िया से केयर करने वाले भैया हैं हमारे। भैया ही सब कुछ कर रहे हैं। भैया कौन कौन से फूल हैं यहाँ पे? रेनोप्लास पिटोनिया, सेनोएरिया, बर्बीना।